आज हम लोग वर्क 10 पाठ इंडो चाइना इतिहास का ये एक चैप्टर है, अध्याय है, उसके एक अंक वाले जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसका डिस्कशन लेके आए हैं। उस पर हम लोग देखेंगे कि उसका आंसर क्या क्या है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि इंडो चाइना में सम्मिलित देशों के नाम बताइए। तो इंडो चाइना में जो सम्मिलित देश थे उनका नाम, जो सम्मिलित देश हैं उनका नाम है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, इंडो चाइना में रहने वाले लोग शुरू में किस शक्तिशाली साम्राज्य के अधीन थे? तो ये जो थे चीनी साम्राज्य, मतलब जो चाइना देश है वहाँ के साम्राज्य के अधीन थे, चीनी साम्राज्य के अधीन थे। तीसरा है, व्यापार के माध्यम से वियतनाम किन गैर वियतनामी समुदायों से जुड़ा हुआ था? तो व्यापार के माध्यम से जो वियतनाम है वो जिन गैर वियतनामी समुदायों से जुड़ा हुआ था वो है खमेर और कंबोडियाई समुदाय, खमेर और कंबोडियाई समुदाय। ठीक है। कुलोन किसे कहते हैं? कुलोन जो थे जो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी लोग थे, ठीक है, वियतनाम में रहने वाले जो फ्रांसीसी नागरिक थे उन्हें कुलोन कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद है, फ्रांसीसी सेना वियतनाम में कब आई तथा फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब किया गया? तो फ्रांसीसी सेना वियतनाम में आई 1858 यानी 1858 में, और फ्रेंच इंडो चाइना का गठन हुआ 1887 यानी 1887 में। ठीक है। फिर टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई? तो टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना जो है सन 1907 में की गई। ठीक है। उसके बाद है, फ्रांसीसी सरकार के विरोध में वियतनामी छात्र छात्राओं ने किस राजनीतिक पार्टी का गठन किया? तो उस पार्टी का नाम था यंग अनान। ठीक है। उस राजनीतिक पार्टी जिसका स्थापना ये लोग किया फ्रांसीसी सरकार के विरोध में, उसका नाम था यंग अनान। हनोई पर प्लेग का हमला कब और कैसे हुआ? देखिए, जब फ्रांसीसी आए ना यहाँ वियतनाम में, तो हनोई को अपने पेरिस शहर जैसा बनाए, बहुत साफ सुथरा। इससे क्या हुआ कि हनोई दो हिस्सों में बट गया, एक फ्रांसीसियों का हनोई और एक वियतनामियों का हनोई। तो जो वियतनामियों का हनोई था बड़ा गंदा था, मतलब सारा का सारा झोपड़पट्टी जैसा इलाका था। तो वैसा इलाका अब चूहों के प्रजनन के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। नाली वाली जो बना था, तो हनोई पर जो प्लेग का हमला हुआ था 1903 में हुआ था, और चूहों के बढ़ने के वजह से हुआ था। और चूहे क्यों बढ़ गए थे? गंदगी और कूड़ा कचरा बढ़ने के वजह से। ठीक है। पेरिस संधि कब हुई थी? पेरिस शांति संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1974 में। ठीक है। 1974 में फान बोई चाउ थे उन्होंने किस पार्टी का गठन किया? तो फान बोई चाउ ने 1903 में रेवोल्यूशनरी नामक, ठीक है, क्या है ये समझ नहीं आ रहा है, आप यहाँ लिख देते हैं, रेवोल्यूशनरी इस नाम का एक पार्टी बनाया, रेवोल्यूशनरी। ठीक है। इस नामक एक पार्टी का गठन किया। वियतनामी साम्यवादी दल की स्थापना कब और किसने की? साम्यवादी मतलब कम्युनिस्ट। ठीक है। कम्युनिस्ट, तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1903 में, और इसका जो गठन किया था हो ची मिन ने किया था। किसने? हो ची मिन ने। उसके बाद है, नापाम शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो नापाम जो है, नापाम का अर्थ होता है जो अग्नि बम के लिए गैसलीन फुलाने में इस्तेमाल किया जाता है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नापाम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि अग्नि बमों के लिए गैसलीन को फुलाने में इस्तेमाल किया जाता है।
वियतनामी युद्ध को प्रथम टेलीविजन युद्ध क्यों कहा जाता है? तो वियतनामी युद्ध को प्रथम टेलीविजन युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि वियतनाम और अमेरिका के बीच होने वाली युद्ध घटनाओं का पहली बार टेलीविजन पर प्रदर्शन इसी युद्ध का हुआ था, पहली बार, इसीलिए इसे टेलीविजन युद्ध भी कहा जाता है। फिर दोसाम कौन थे? दोसाम कौन थे? तो ये एक वियतनामी नाम है। दोसाम जो थे वियतनामी तोपखाना रेजिमेंट के कर्नल थे, ठीक है, वियतनामी तोपखाना रेजिमेंट के कर्नल। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो वियतनाम दो भागों में बट गया था, आपको पता होगा। एक भाग जो था उस पर अमेरिका अपना वर्चस्व बना रहा था, सोचता था कि वो जो है पूंजीवादी सभ्यता को मान ले, और एक जो भाग था जिस पे हो ची मिन का राज था, जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, उस पे किसका राज था? बाओ दाई का, और यहाँ पर हो ची मिन का, ठीक है। तो दो भागों में बट गया था वियतनाम। तो इसके वजह से अब बाद में उसका एकीकरण, मतलब दोनों भाग एक कब हुआ, तो वियतनाम का एकीकरण हुआ था 30 अप्रैल 1975 को, ठीक है। सभ्यता मिशन का आशय स्पष्ट करिए। तो सभ्यता मिशन कुछ भी नहीं था, सभ्यता मिशन का बस यही आशय था कि अधिक से अधिक लोगों के बीच में शिक्षा और धर्म का प्रचार करना, यही सभ्यता मिशन था, ठीक है। उसके बाद है सिल्क रूट का क्या महत्व है? तो देख लीजिए, सिल्क रूट बहुत ही महत्व, व्यापार के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा वस्तु और लोगों का और विचारों का आना जाना इसी सिल्क रूट के माध्यम से होता है। इसी सिल्क रूट के माध्यम से चाइना से प्रिंट जो है, प्रिंट जो होता है मुद्रण जो है वो इसी माध्यम से, सिल्क रूट के माध्यम से ही चाइना से यूरोप में गया था। ये दूसरे चैप्टर का है, बस इसी तरह बोल दे रहे हैं। किस देश ने 1940 में वियतनाम पर कब्जा कर लिया था? जापान ने किया था, ठीक है, जापान ने। 1968 में जॉन वेन की फिल्म ग्रीन ब्रिटिश किस बात पर बनी थी? तो जो लड़ाई हो रहा था ना, जो युद्ध हो रहा था अमेरिका और वियतनाम का, उसमें उस युद्ध, देखिए अमेरिका में दो तरह के लोग हो गए थे, कुछ लोग युद्ध का समर्थन कर रहे थे, कुछ लोग उसका खिलाफ थे। तो ये जो फिल्म बना था ग्रीन ब्रिटिश, ये अमेरिका द्वारा वियतनाम में चलाए जा रहे युद्ध का, जो युद्ध हो रहा था उसके समर्थन में बनाया गया था, ठीक है, ये उसके समर्थन में बना था। एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं कि अमेरिकी वियतनाम युद्ध शुरू होने के तत्कालिक कारण क्या थे, ठीक है, ये हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर जो है या तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9472596352। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियोज आपको मिल सके, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है, थैंक यू।